यह वह जगह है जहाँ मैं अगले कुछ हफ्तों तक रहने वाली हूँ। कितना पुराना बिस्तर है, ऐसा लगता है कि टूटने वाला है। यह भयानक लग रहा है। वाह, मुझे यह पसंद है, वो बहुत खूबसूरत है। कितनी सुंदर चादर है। बेड साइड टेबल भी उतनी अच्छी है, नहीं जितनी। मुझे वह पसंद है, मैं यहाँ सोऊंगी। क्या भारी सूटकेस है, मैं उन्हें खींचकर थक गई हूँ। ओह, ये कितना भयानक है। मैं ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहने वाली। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। केट, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? मेरे पास आओ। क्या तुम $100 लेकर अपना बिस्तर बदलना चाहती हो? ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। मुझे पैसे दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपने बिस्तर पर बैठो। ओह, वे मेरे पास आए हैं। मुझे दरवाजा तुरंत खोलना है, ये बहुत जरूरी है। जल्दी आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नमस्ते, हम आपके द्वारा ऑर्डर की गई हर चीज लेकर आए हैं। बहुत अच्छा, ये रहे आपके पैसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या है, तुम यहाँ एक गंदा डिब्बा क्यों लाए हो? यह सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, इसमें निर्माण सामग्री शामिल है। उनकी मदद से मैं अपना बिस्तर ऐसा बना दूंगी जिसे पहचानना मुश्किल होगा। तुम क्या कर रही हो केट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब ठीक है। बस इतना है कि लकड़ी का यह टुकड़ा एकदम नीचे तक गिर गया है। ओह, कितना हिलता डुलता सा बॉक्स है। मेरी राय में यह बॉक्स के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में है। मैं ठीक हूँ, अब तुम खुद देख लेना। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा समय दो और तुम मेरे बिस्तर को पहचान नहीं पाओगी, एक मास्टरपीस होगी। शुरू करने के लिए मैं एक आधार बनाऊंगी, यह मजबूत होना चाहिए। तुम सच में अच्छा कर रही हो। हाँ, मैंने तुमसे कहा था। इससे मुझे एक शानदार आइडिया आया है कि मुझे भी अपने बिस्तर का रंग सच में बदलना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ, जल्दी करो और इसे अंदर ले आओ। हेलो, मुझे बताओ कि यह कहाँ रखना है। Okay. क्या तुमने रेडीमेड बिस्तर खरीदा? यह सही नहीं है। ऐसा क्यों? मैं जब चाहूँ तब अपना पैसा खर्च कर सकती हूँ। सब तैयार है। देखो मुझे कितना आरामदायक कोना मिला है। बस इतना ही नहीं, चलो इसे थोड़ा बहुत सजाते भी है। आपको ये पर्दे कैसे लगे? मेरी राय में वे पूरी तरह से इसके साथ फिट होते हैं। हम लगभग बैक लाइट के बारे में भूल गए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब बेहतर है। अपना मुंह बंद करो के, नहीं तो मक्खी उड़ के आ जाएगी। मेरा बिस्तर बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना बिस्तर और भी अच्छा बनाना है, पर कैसे? दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। पर कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मैं अभी वापस आती हूँ, मुझे इन पर्दों की जरूरत है। और यह टेबल क्लॉथ भी अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता है मुझे ये ले लेना चाहिए। वाह, अब मैं बिस्तर को सजा सकती हूँ और इसे वास्तव में आरामदायक बना सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो केट? इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे परेशान मत करो। मुझे पता है इन कपड़ों को कैसे लगाया जा सकता है, बस एक निर्माण स्टेपलर का उपयोग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी। वाह, यह काम करता है। मेरी आँखों के सामने मेरा बिस्तर बदल रहा है। वह वास्तव में पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर दिख रहा है। बस मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मेरे काम को कोई नहीं हरा सकता है। शांत हो जाओ केट, ऐसा लगता है कि तुम बहुत घबराई हुई हो। नहीं, चिंता मत करो, मुझे अपना झूला बनाने के लिए बस एक बोर्ड तोड़ना था। यह बहुत अच्छा बना है ना? झूला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से कुछ बेहतर करूंगी। चलो देखते हैं। मुझे केट को तुरंत दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसे यह ना सूटने दे कि वह सबसे अच्छी है। मुझे पता है, मुझे कुछ ऑर्डर करना है और वह यहाँ है। मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा सामान बहुत अच्छा है, इसे कमरे में ले आओ। मैं बॉक्स को यहीं रख दूंगा और इसे तुरंत खोल दूंगा। तुम्हारा नया म्यूजिक सिस्टम एक वास्तविक बॉम्ब है और डिस्को बॉल किसी भी पार्टी को सजाएगी। सब कुछ तैयार है। बाय बाय। अब मेरे दोस्तों को बुलाने का समय है और यह दिखाने का कि मैंने कितने अच्छे से सब किया है। हेलो दोस्तों, आओ बैठो। माफ करना केट, मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है कि हल्का म्यूजिक ऑन करे और मजे करे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे जल्दी चालू करो। वाह कितना मस्त, एक असली पार्टी। मेरे पास एक बेहतर पार्टी होगी, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। मेरे फेवरेट खिलौने कहाँ हैं? उनके लिए एक टेबल लगाने की जरूरत है। बस इतना ही, बढ़िया। यहाँ बैठो, हम एक चाय पार्टी करेंगे। तुम कितने प्यारे हो,
मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? लो यह पियो, ये बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। केट ने भी अपनी पार्टी अरेंज की है, हमें उसे रोकना होगा। मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं, ये बहुत जोर से है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है इसे कैसे रोकना है। जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अंदर आइए। तुमने मुझे क्यों फोन किया था? यहाँ आओ। ये लोग नियम कानून तोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी ने एक अवैध शोर शराबे वाली पार्टी की व्यवस्था की है। लड़कियों शांत हो जाए, मैं उससे निपट लूंगी। पैसे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद है। हमारा मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। तुम मुझे रोक नहीं सकती केट। ओह माफ करो, मुझे जाना है। मेरे पास एक और योजना है। मैं इस पार्टी को खत्म करने जा रही हूँ और वास्तव में कुछ भव्य करूँगी। दोस्तों हमें कुछ करना है। मैं पुरानी डिस्क और कैची लाई हूँ। हम उनमें से एक चमकती हुई बॉल बनाएंगे। देखो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने डिस्क को पहले ही टुकड़ों में काट दिया है। यह वही है जो मुझे चाहिए। वे कितनी खूबसूरती से झिलमिलाते हैं। सुपर, मुझे लगता है कि हमारे डिस्को बॉल के लिए एक अच्छा आधार है। और अब मुझे एक ग्लोब की जरूरत है। इसका आकार बिल्कुल गोल है। मैं कटी हुई डिस्क लूंगी और उन्हें यही चिपका दूंगी। देखो हमारा डिस्को बॉल तैयार है, बस सुंदर है। मैं इसे बीच में लटका दूंगी और दीवारों को बाकी बचे डिस्क से सजाऊंगी। लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेगा और पूरी जगह को खूबसूरती से भर देगा। बिना तेज म्यूजिक के कैसी पार्टी? मेरे पास इसके लिए फोन और एक स्पीकर है। वाह, पास में एक और पार्टी है। यह और भी अधिक दिलचस्प लगता है। हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नया फोन नहीं है। एक सेकंड रुको, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रोशनी के लिए मुझे बल्ब्स की लड़ी बनानी चाहिए। बॉक्स में बहुत सारे बल्ब होने चाहिए। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। मैं अभी इसकी जांच कर लेती हूँ कि सभी सुरक्षित है। बहुत बढ़िया, सब ठीक है। अब केवल यह सोचना है कि इन्हें एक साथ कैसे रखा जाए। मुझे अब बॉक्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें कार्ड चाहिए और मुझे पता है कि मुझे कहाँ मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि पकड़ाना नहीं है, नहीं तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगी। कैंची कहाँ है? मुझे जितनी जरूरत हो उतनी तार काट लेना है। जल्दी तैयार। अब अपने बिस्तर के पास जाने की जरूरत है। अब मैं इसे एक अच्छी लड़ी बनाऊंगी। मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा निकलेगा। चलो अब इसे लटकाने का समय आ गया है। ये शानदार लग रहा है, जैसा मैंने कहा था। मुझे लगता है इस जगह पर सबसे अच्छा लगेगा। केट को इतनी सुंदर लाइट कहाँ से मिली? खैर कोई बात नहीं, अब मैं कुछ और दिलचस्प लेकर आती हूँ। जल्दी अंदर आओ। आपने जो ऑर्डर किया था हम सब ले आए हैं। ये सबसे अच्छे लाइट्स है। अब हम इसे लटका देंगे, आप देखना आपको पसंद आएंगे। वाह, यह मेरी तुलना में बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस प्लग करना बचा है। यह हो गया, कैसा लगा? पसंद आया? धन्यवाद, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। थोड़ा ब्रेक लेने का समय हो गया है। मैं एक ड्रिंक लूंगी और अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगी। ओ नहीं, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, मैंने ड्रिंक सीधे बल्ब पर गिरा दिया। मेरे बिस्तर में आग लग गई है, बचाओ। ओह, आग लग गई है। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ करो। मेरे पास एक आइडिया है, हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होगा। चिंता मत करो, आग बुझ जाएगी। फ्यो, बस अब हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया। ओह कोई बात नहीं। ये मेरे लिए है, मैं आ रही हूँ। हेलो, धन्यवाद, ये सब मेरे लिए है। अब मैं इस बिस्तर को थोड़ा ठीक करने जा रही हूँ। ये क्या है, वो क्या करने वाली है? अब मैं दस्ताने पहनती हूँ और काम पर लग जाती हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक बेकार बिस्तर से एक शानदार बिस्तर कैसे बनाया जाए। इसके लिए मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। ओह, अब मैं रुक नहीं सकती। ओह ध्यान से, ओह मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी। चलो हम जारी रखते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ सब कुछ ठीक है। मुझे अपने निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण मिला है, उसे यहाँ रख दे। एक और, बस हमने इसे सुलझा लिया है। और अब ड्रिल। मैं गिर रही हूँ, मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। यह ठीक है, मैं अब कचरे से छुटकारा पाऊंगी। और तुम क्या करने वाली हो?
एक बिस्तर का निर्माण। यह एकदम आसान है। इस बार को अच्छे से ठीक करना है और यह लगभग आधा तैयार है। बढ़िया, मैंने कर लिया। हम बिस्तर को नीचे करते हैं और फिर मैं इसे अच्छे से स्क्रू करूंगी। वाह, मैं भी इसे आसानी से कर सकती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, आ जाओ, ये रहे तुम्हारे पैसे। हम इसे अभी करेंगे मिस। धन्यवाद। यह क्या है? ओह, यह हार्ड था। यह कैसा है? वाह, कितना अच्छा। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर होगा। वे भी एक बिस्तर बना रहे हैं और फूलों की व्यवस्था भी की गई है। हम बहुत अच्छे हैं। तकिए के साथ सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया। अब फाइनल टच की बारी है। बिल्कुल सही। ओह, अपनी आँखों का ख्याल रखना। ओह वाह, ईर्ष्या मत करो। मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर है। ओह, यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। बिल्कुल आरामदायक नहीं। यहाँ बहुत अच्छा है। वो मुझे क्यों देख रही है? खैर, ये ठीक है। मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन शायद ये मेरा काम आ सकता है। पर्दे। अब ये निश्चित रूप से सुंदर होगा। मैं जीनियस हूँ। और क्या होगा अगर मैं इसे ले लूँ तो? हाँ, बस एक झपट्टा नीचे आ गया। अब इसे यहाँ लगा देती हूँ। स्टेपलर हमेशा मदद करता है। चलो चलते हैं। अब मैं इस पर्दे को लगाने जा रही हूँ। इस तरह से सब अच्छा होगा। ओह, मुझे अब स्टेपलर की जरूरत नहीं थी। और तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? वाह, अब मैं सभी को सरप्राइज करूंगी। मुख्य बात इसे कसकर बांधना है और दूसरा छोर भी। अब मेरे पास एक सुंदर झूला है। मैं उस पर आराम कर सकती हूँ। बहुत सुविधाजनक। उसने खुद का झूला बनाया। ईर्ष्या मत करो। एक तरह से उबाऊ है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अभी झूला नहीं चाहिए। मैं इस बेड साइड टेबल और इस कपड़े से एक टेबल बनाऊंगी। इसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब हमें डिवाइस जोड़ने की जरूरत है। अब मेरे पास एक टी सेट है, ऐसे प्यारे मग के साथ। चाय पार्टी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ओह माय, किस तरह का किंडरगार्टन है। टी पार्टी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। वह निश्चित रूप से मुझसे ईर्ष्या करेगी। आविक है? हाँ आओ, यहाँ रख दो। क्या आप आज रात पार्टी कर रही हैं? हल्के संगीत के बिना कैसी पार्टी? हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया, आपका पैसा। धन्यवाद। जल्दी अपने सभी दोस्तों को बुलाती हूँ। दोस्तों के बिना किस तरह की पार्टी? हेलो दोस्तों, हेलो। हम लोग काफी समय से आपस में बात नहीं किए हैं। चलो मजे करो, ये सब अच्छा होने वाला है। वहाँ क्या चल रहा है? अंदर मत आना, मैं वास्तव में नहीं चाहती हूँ। ओह, कितना तेज है ये, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे कान, म्यूजिक बंद करो। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं कॉल करूँगी जहाँ मुझे जरूरत है। वो उनके साथ निपट लेगा। म्यूजिक बहुत जोर से है। क्या तुम आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। इतनी जल्दी? हेलो, इधर आओ। मैं सब देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वहाँ एक पेशेवर काम करता है। लड़कियों, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो, यह बुरा है। मेरे पास एक आइडिया है, यह आपके लिए है। बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे अद्भुत लोगों से निपटना अच्छा है। चलो अच्छे से मजे करो। आज कितना अच्छा दिन है। मैं नाचना और मुस्कुराना चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? ओ, मुझे जाना है। बाय बाय। तुमने देखा समस्याओं से कैसे हल किया जाता है? ओह, फिर से? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे भी पता है कैसे मजा करना है। तुम देखना, मेरी पार्टी तुमसे 100 गुना बेहतर होगी। इसके लिए मुझे बस एक ग्लोब चाहिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो डिस्क लेते हैं। बढ़िया है। अब उन्हें थोड़ा काटने की जरूरत है। हमने छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए हैं। ध्यान से, ताकि खुद को न काटे। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तैयार। अब मेरे पास बहुत सारे चमकते स्क्वायर्स हैं। अब उन्हें मेरे ग्लोब से चिपकाने की जरूरत है। एक के बाद एक, इस तरह से। चलो स्पिन। तैयार। ये सुंदर है। अब हमें इसे यहाँ लटकाने की जरूरत है। ये एकदम सही लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बचे हुए डिस्क के साथ दीवार को सजा सकते हैं। अच्छा होगा कि उस पर ग्लू भी लगाए। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे पास स्पीकर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये शानदार चीज है। चलो मेरे फेवरेट म्यूजिक को जोर से चालू करें, ताकि हर कोई सुन सके।
तो तुम्हें पसंद आया मेरे दोस्त? यह क्या है, कितनी मस्त पार्टी है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हाय, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ, शामिल हो जाओ, ये टी पार्टी है, कितना बढ़िया। यह कैसे संभव है? थोड़ा लाइट चाहिए, किताब बहुत दिलचस्प है। लाइट ब्लिंक कर रहा है, यह अच्छा नहीं है। ओ, वो बंद हो गया। हे, काम करो। मैं क्या करूं? वाह, मेरे पास लैंप का एक बॉक्स है। वाह, ये कितने सारे हैं। यह काम करना चाहिए या यह कुछ और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सभी लाइट बल्ब को फर्श पर रख दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, सब तैयार, अब बस लैंप लगाना है। बहुत बढ़िया। वो क्या कर रही है? अब मैं बिस्तर के चारों ओर एक माला लगाऊंगी। यह ठीक निकला। यह क्या है? अरे, कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया, अब मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ। ओ हाँ, मैं, वाह, अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी हूँ। मुझे डिलीवरी चाहिए तुरंत। आ भी गया। गुड आफ्टरनून, मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बिस्तर पर लाइट लगाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है। आपके पास सबसे चमकीला बिस्तर होगा। चलो और लाइट लगाओ, इसे चालू करो। वाह, बहुत बढ़िया, यह रहा तुम्हारा पैसा, धन्यवाद। ओ नहीं, कितना भयानक, सब में आग लग गई है। मेरा बिस्तर, क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। बुझाने की जरूरत है। अब मैं कुछ करूँगी, मैं तुम्हारा बिस्तर बचा लूंगी, चिंता मत करो। ओह, हो गया, तो बहुत डरावना था। चलो मेरे पास आओ। और क्या करना है, यह बहुत अच्छी जगह है और खिलौने मस्त है, कितना बढ़िया। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? पीटर, ढक्कन तुम्हारे सामने है तो तुम शुरू करो, देखते हैं कौन सा सरप्राइज है। ओह, ये एक ऑक्टोपस है। छी, ओह नहीं, ये मुझे चाटना पड़ेगा। कुछ और मिलता तो मैं आराम से खा लेता, पर यह क्यों? उफ, और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बैठूंगी और तुम पर हंसूंगी। रॉक पेपर सीजर से हम तय करेंगे कि पहले कौन होगा। हुरे, विवियन हार गई, तो वह इस घटिया ऑक्टोपस को खाएगी। यह कोई मजाक नहीं है, मैं खुद जानती हूँ कि मैं लकी नहीं थी। छी, कितना स्लाइमी है। अब इस गंदी सी गिलगिली चीज को मुझे चाटना पड़ेगा। नहीं, बस बहुत हुआ। छी, पीटर, अब इसे काटने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे कैसे काट सकता हूँ? मुझे लगता है कि इसके टेंटाकल कमजोर पॉइंट है। यहीं से शुरू करता हूँ। ओह, ये मुझे मारना चाहता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मदद करो। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें इस शिकारी के चंगुल से बाहर निकालेंगे। ओह, कितना दर्द हो रहा है, लेकिन हमने ऑक्टोपस का मुकाबला कर लिया। यह खतरनाक था, मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा हूँ। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था, अब तुम्हारे पास अपने समुद्री प्राणी की निशानियाँ हैं। ओ नहीं, फिर से किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। कम से कम मुझे ये नहीं खाना, मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? मुझे इसे नहीं चाटना, इसमें और भी दर्द होगा, और मैं आराम कर सकती हूँ। दोस्तों, चिंता मत करो, मैं इस कैक्टस को खाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जूलिया, तुम पहले, क्योंकि यदि पीटर ने उसे खा लिया तो तुम्हारे पास चाटने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम कितने होशियार हो, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। आह, दर्द हो रहा है, मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? इसे तो मैं अपने हाथों से छू भी नहीं सकती। तुम्हें करना ही होगा, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। आह, मेरी बेचारी जीभ, कितना दर्द हुआ, ये बहुत भयानक है। ओ, देखने में भी बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास बैंडेड है, इसको लगाने में से तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तो कैसा लग रहा है, क्या इससे मदद मिली? हाँ, तुम भी लगा लो, खाने में मदद होगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है, मुझे यह कांटों के साथ वाला कैक्टस क्यों चाहिए अगर मैं इसे उसके बिना खा सकता हूँ? मेरे पास ट्वीजर है और इसके साथ मैं इन सारे बेकार कांटों को हटा सकता हूँ। ऐसा करते करते तो बरसों बीत जाएंगे, मैं इंतजार करके थक गई हूँ। बहुत हो गया,
हमें परेशान करना बंद करो। एक इलेक्ट्रिक रेजर लो और उन कांटों को शेप करो। ये बहुत तेज होगा, मुझे यकीन है। अरे हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा था। बहुत खूब। बस करो, अब हम पूरी तरह से इन कांटों में ढक गए हैं। तुम तो खुद ही चाह रही थी कि मैं कांटे हटाऊं, लेकिन हमारे चेहरे पर क्यों फेंका? अब तो तुम ये कैक्टस जरूर खाओगे। ये लो, पसंद आया? कुत्ते का खाना लग रहा है क्या? सच में? अरे हाँ, ये वही है, लेकिन हम कुत्ते नहीं हैं। पता नहीं हम में से कौन किस्मत वाला निकलेगा। निश्चित रूप से मैं नहीं। छी यार, और मैं भी नहीं। उफ, मैं फिर से लकी हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए खुश हूँ। आखिर तुम दोनों को इतना स्वादिष्ट खाना जो मिला है, यह मजाक नहीं है। पीटर, इसे खाना तुम शुरू करोगे? मैं? लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? मुझे आशा है कि उतना खराब ना हो। नहीं, सड़े हुए मीट की तरह लग रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें एकदम एक डॉगी की फीलिंग देने के लिए मैं एक कटोरी लाई हूँ। शुक्रिया। कितना भयानक लग रहा है। वैसे मैं पहले क्यों हूँ? अगर मैं इसे खा लूँ तो जूलिया इसे चाट नहीं पाएगी। बिल्कुल। उफ, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम इसके बारे में भूल गए होगे। इसे बहुत बदबू आ रही है। जी नहीं, नहीं, मैं नहीं खा सकती। ओ जी, हमें भी बुरा लग रहा है। पीटर, अब तुम। डेमियन, अब तुम। क्या? कुछ भी। पीटर, जल्दी करो, हम सभी को उसका समय बर्बाद मत करो। दिक्कत यह है कि कुत्ते का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इसे जल्दी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें एक चम्मच देती हूँ, फिर काम तेजी से होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं नहीं खा सकता। यह क्या दिया? अब मैं कचरे की तरह बदबू मार रही हूँ। मुझे चम्मच दो। आउच, यह क्यों किया? जल्दी खाओ और बकवास मत करो। ठीक है, चलो जल्दी खाओ। पीटर, खाओ। तुमने क्या किया? मैंने इसे नहीं खाया, ये मेरे पूरे चेहरे पर है। और यह भी मजेदार था। क्या इस बार हमें कुछ स्वादिष्ट मिलेगा? हम लकी क्यों नहीं है? मुझे मछली से नफरत है और मुझे यही चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। ये और भी बुरा है। और मैं केवल ये सब देखूंगा और हंसूंगा। हाँ हाँ, विवियन तुम पहले चलो। लो अपनी मछली का पूरा मजा लो। ये तो देखने में ही घिनौना है। तो मुझे कोई शक नहीं कि इसका स्वाद भी सही होगा। कितना गंदा। अरे, उसने विवियन को काटा। बचाओ, वो मुझे खा जाएगी। खींचो खींचो खींचो, हम तुम्हें बचा लेंगे। धन्यवाद, वो मछली तो पक्का मेरी जीभ ही निकाल लेती। अब मैं तुम्हारा बदला लूंगी और इस राक्षस को खुद खाऊंगी। काश ये उतना खराब ना हो। छी। जूलिया, तुम उदास क्यों हो? मछली स्वादिष्ट है ना? तुम मुझ पर कैसे हंस सकते हो? ये तुम्हारे लिए, ये लो। वो इसी के लायक है। क्या इस बार हमें कोई स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा? वाह, हबा बबा, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे चाट सकती हूँ। बहुत अच्छा। और मैं इसे खा सकता हूँ, यह बुरा नहीं है। अरे यार, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ये चख भी नहीं पाऊंगी। पीटर, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है, करो। हुर्रे, आखिरकार कुछ स्वादिष्ट मिला। ये कमाल का है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे इसे जल्द से जल्द पूरी तरह से चाटना है। पहले मैं इसे पूरा खोल लेती हूँ और अब इसे चाटूंगी। तुम क्या कर रही हो? बस, ये पूरा तुम्हारे थूक में ढका हुआ है। ये एकदम सही हुआ, अब तुम इसे नहीं खा सकते। शायद मैं ये कर पाऊँ। नहीं, ये भयानक है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा च्युइंगम और अब मेरा पूरा चेहरा गीला हो गया। ये सही नहीं है, लेकिन ये बहुत मजेदार था। वाह, बर्गर। वाह,
रुको, पहले देखते हैं कि कौन भाग्यशाली निकला। ओके। मैं इसे चाट सकता हूँ और मैं इसे खाऊंगी और मैं डाइट पे हूँ। चलो पहले मैं जाती हूँ, मैं इसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। अरे रुको, तुम पूरा बर्गर खा लोगी और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं पहले जाऊंगा, मेरे बाद तुम इसे अपने मुंह में डालना भी नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस बर्गर के हर इंच को चाटूंगा। मेरा विश्वास करो, तुमने पहले कभी इतना गंदा बर्गर नहीं खाया होगा। कितना भयानक। इसके बाद मैं इसे अपने हाथ में भी नहीं लूंगी। विवियन, क्या तुम इस स्वादिष्ट बर्गर को खाना चाहोगी? मैं कोशिश करूंगी, शायद यह स्वादिष्ट हो। नहीं, इसे तुम ही खाओ। क्या तुम्हें यह सच में नहीं चाहिए? जूलिया, तुम्हें चाहिए? नहीं, इसे हटाओ। हुर्रे, तो मैं यह खुद स्वादिष्ट बर्गर को खाऊंगा। बढ़िया है। वाह, क्या कमाल की आइसक्रीम है। मैं अभी भी इसे चाट सकता हूँ और मैं खा सकती हूँ। मैं कभी कुछ स्वादिष्ट क्यों नहीं चख सकती? क्योंकि यह मेरी है। मैं इसे खत्म करने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले मैं इसे चाटूंगा। ठीक है, लेकिन आधा मेरे लिए छोड़ देना। ओह, तुमने मेरे ऊपर रैपर क्यों फेंका? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मुझे लग रहा है यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं भी खाना चाहती हूँ, मुझे दो, यह मेरी है। नहीं रुको, यहाँ और बचा है, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि पीटर ने कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली है। अब खुद वो एक आइसिकल में बदल गया है। बकवास, उसने सारी आइसक्रीम खा ली और अब मेरे लिए सिर्फ यह कोन बचा है। लेकिन यह भी ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओह, नींबू, वे स्पष्ट रूप से खट्टे होंगे। मैं फिर से बदकिस्मत हो गया और मुझे उन्हें खाना पड़ेगा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दोस्तों चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इन हरे रंग के नींबू के साथ शुरू करो। ओ नहीं, एक सेकंड रुको, मुझे किस बात की चिंता है? मुझे इसे सिर्फ चाटना है। मैं केवल उसका छिलका चाट लेता हूँ। नहीं, तुम इसे ऐसे नहीं कर सकते हो, इसको पूरी तरह से चाटो। हाँ चलो, तुम्हें थोड़ा सहना होगा। ओ नहीं, तुम कितनी क्रूर हो। लगता है कि नींबू ने काम किया। अब नींबू इसे ठीक करने में भी मदद करेगा। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेबियन, तुम किस पर हंस रही हो? तुम्हें तो इस नींबू को खाना पड़ेगा। ये लो। ओ क्यों? अब मुझे भी कुछ हो रहा है। नहीं, सब कुछ बहुत बुरा है। अब तुम टेढ़े शीशे में प्रतिबिंब की तरह दिख रही हो, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भयानक था।